नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस। देखिए, आप लाइक करना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों नमस्कार, मैं रणवीर सिंह और देखिए मैं आ गया हूँ फिर एक अपडेट के साथ। अपडेट देखिए, मैं आपको बता दूं कि आरएएस का जो प्री एग्जाम 2021 का होने वाला है उसको ही लेकर मैं बात करने वाला हूँ। देखिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स के आधार पर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि देखिए राजस्थान का जो प्री एग्जाम हो रहा है उसके अंदर उल्टे सीधे सेंटर फेंक दिए गए और सेंटर इतनी दूरी पर फेंके गए कि आप जब सुनोगे और समझोगे पूरी बात को तो आपको भी यहाँ पर देखिए लगेगा कि हम सत्ते में आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभ्यर्थियों को लाने ले जाने की व्यवस्था सरकार कर देगी, लेकिन उनकी रोकने की व्यवस्था कौन करेगा। और देखिए सेंटर इतनी दूरी पर फेंके गए कि पटवारी का भी एग्जाम कुछ अभ्यर्थी दे रहे हैं, तो देखिए वो वहां पटवारी का एग्जाम देने के बाद अपने सेंटर पर किस तरह से पहुंचेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो अभ्यर्थी जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि देखिए हर भर्ती विज्ञापन भर्ती संबंध हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं यहां पर पूरे कमेंट्स आपको देखिए साइड में दिखाऊंगा भी और मैं यहां पर कमेंट्स के बारे में देखिए बताऊंगा भी। देखिए यहां पर धौलपुर से सेंटर आया जोधपुर, देखिए यार धौलपुर से जोधपुर सेंटर आया कितने किलोमीटर है वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए हनुमानगढ़ से बूंदी सेंटर आया, देखिए 24 को पटवारी हनुमानगढ़ में देंगे और देखिए यहां पर बाड़मेर क्या करें, गवर्नमेंट ही कुछ ऐसी है। देखिए इसमें आगे देखिए यहां पर भरतपुर से देखिए सेंटर आया, यहां पर नाथ द्वारा राजसमंद, देखिए भरतपुर से। और देखिए यहां पर फिर आगे चलते हैं, देखिए फिर मैं आपको कमेंट्स बता रहा हूं सारे जिन भाइयों ने कमेंट्स किए। देखिए यहां बिना रोडवेज के एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ऐसा भी देखिए हमने पिछली वीडियो में रोडवेज की बात करी थी लेकिन वो मसला अभी चल रहा है। देखिए फिर देखिए यहां पर श्रीगंगानगर से प्रतापगढ़ सेंटर आया, देखिए दिल्ली वालों का सेंटर जयपुर और भीलवाड़ा, देखिए जयपुर और भीलवाड़ा डाल दिया गया, कितनी दूरी है अब आप इस दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं। और देखिए यहां पर सारे सेंटर उल्टे सीधे दिए गए, देखिए बीकानेर से देखिए डूंगरपुर सेंटर आया, यहां पर देखिए आरपीएससी एग्जाम प्री एग्जाम का। देखिए फिर आगे चलते हैं, देखिए यहां पर फिर यहां पर देखिए 500 मीटर डिस्टेंस पर था, देखिए यहां पर देखिए अब देखिए एक पूरा बताऊं 500 मीटर डिस्टेंस पर क्या था। देखिए यूपीएससी ने इसे अच्छा सेंटर दिया था, इनको यूपीएससी ने अच्छा सेंटर दिया था, ये विकास सिंह नाम आपको वहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के। देखिए यहां पर देखिए मेरा सेंटर यहां पर 480 किलोमीटर आया है, कितना है 480 किलोमीटर। देखिए रवि सिंह यहां पर, देखिए मैं आपको कमेंट्स दिखा रहा हूं उन भाइयों के कमेंट्स दिखा रहा हूं देखिए यहां पर। और देखिए हमने जो पोस्टपोन के लिए बनाया था उसके भी कमेंट्स यहां पर आए हुए, देखिए देखिए यहां पर झुंझुनू से जालौर सेंटर, झुंझुनू से जालौर सेंटर फेंक देगा आरपीएससी का। देखिए यहां पर बांसवाड़ा से यहां पर देखिये धौलपुर 700 किलोमीटर कैलकुलेशन करके भी बता रहे हैं देखिए। और देखिए यहां पर भैया कोटा के आरएस विद्यार्थियों का 600 से 700 किलोमीटर दूर सेंटर आ रहे हैं, जैसलमेर श्रीगंगानगर बाड़मेर, देखिए यहां पर सेंटर आ रहा। और ये किसी सरकार हमारा पटवारी 24 को पटवारी का पेपर है कैसे जाए, यहां पर पटवारी का भी पेपर इनका 24 को है। देखिए देखिए फिर बांसवाड़ा से यहां पर सेंटर देखिए कहां फेंका गया है। और देखिए यहां पर रोडवेज की भी चर्चा लगातार हो रही है। और देखिए मैं आपको बता दूं यहां केवलाल मीणा ने भी एक ट्वीट किया हुआ आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, मैं पढ़ के बता देता हूं। देखिए कि पटवारी और आरएएस भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के नाम पर अभ्यर्थियों को सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र आवंटित करना सरासर गलत है। देखिए यहां पर सरकार ने आवागमन की सुविधा तो कर दी लेकिन यह नहीं सोचा कि अभ्यर्थी कहां पर ठहरेंगे, बेरोजगार कहां पर रुकेंगे, क्या खाएंगे और महिलाओं को कितनी दिक्कत होगी। सबसे बड़ी बात महिला अभ्यर्थियों की है कि उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जबकि देखिए आसपास के जिले में अगर सेंटर आता है तो चलता है लेकिन इतनी किलोमीटर पर दूर 700 किलोमीटर दूर सेंटर आना बिल्कुल ही उचित नहीं है। देखिए यहां पर आरपीएससी ने जो अभ्यर्थियों को जो सेंटर आवंटित किए हैं वो सेंटर वाकई में दूर आवंटित किए हैं। यहां पर देखिए बहुत सारे आप सभी भाइयों की यहां पर देखिए कमेंट्स हैं, सभी भाइयों के कमेंट्स हैं कि सेंटर इतनी दूर नहीं होने चाहिए थे। अब देखिए इसमें कुछ हो नहीं सकता लेकिन ये आरपीएससी जो कर रही है इस तरह से कि ये अभ्यर्थियों को इधर उधर फेंकना, उल्टे सीधे सेंटर फेंकना, ये बिल्कुल गलत है। अभ्यर्थी समय पर पहुंचेंगे और कितनी कितनी दूरी चल के जाएंगे तो उनका मानसिक संतुलन कैसा होगा, वो किस तरह परीक्षा देंगे, क्या उनकी मन स्थिति होगी, देखिए और क्या उनके विचार चल रहे हैं उनके दिमाग में। तो यहां पर देखिए हो सकता है कि दूरी पर सेंटर आया है तो देखिए पढ़ने के लिए समय भी नहीं दिया गया तो हो सकता है कि परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम हो जाए। तो देखिए फिर आते हैं अपडेट के साथ, भर्ती विज्ञापन के साथ, विश्लेषण के साथ। संदेश आप शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।